आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी इनजस्टिस काउंसिल कर रहा है, जो उसको एग्जामिनेशन को लेकर क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इससे स्टूडेंट के टाइम प्रभावित हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए मैं आपको एक सबसे शानदार तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, और उन लोगों से बचने के लिए भी कहूंगा जो कहते कुछ है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए और फिर कहते कि एग्जामिनेशन इज। हेलो गाइस, दिस इज प्रेम, और मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक करीब 50 वीडियोज स्टूडेंट के फेवर में बनाए हैं कि आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। देयर इज हाईली इररेगुलरिटीज दैट स्टूडेंट्स आर सफरिंग मच मोर, आई एम इन फेवर ऑफ यू। दैट्स व्हाई आफ्टर 7 इयर्स आई वेंट टू ट्विटर एंड ट्वीटेड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रूफ इज हियर, सी। Now you can go and ask those YouTubers who said due to safety reasons examination should be cancelled. केवल safety ही reasons है, दूसरी student का time बर्बाद हो रहा है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जो ICSE class 10th board के student है 11th में पढ़ेंगे, उनका 11th का time frame कितना छोटा हो जाएगा। जो ISE class 12th के board student नीट जेई जैसे एग्जामिनेशन को देने के उद्देश्य से है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो बीए बीएससी बीकॉम में जाना चाह रहे हैं, उनकी परेशानी भी वही रहेगी कि पार्ट वन में टाइम फ्रेम बहुत ही कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन। यह सबसे बड़ी इनजस्टिस है। यदि किसी स्टूडेंट का एक मिनट बर्बाद होता है, मानो एक घंटे बर्बाद होता है, और एक घंटा बर्बाद होता है मानो कि उसके एक दिन बर्बाद हो गए। मैं किसी भी स्टूडेंट से नहीं कहता कि मेरे ट्विटर पर जाके फॉलो कीजिए, फेसबुक पर जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कीजिए, तीनों जगह मेरे अकाउंट है। ट्विटर का मैं लिंक दे रहा हूं, जाकर चेक कर लो कि मेरा अकाउंट ट्विटर पर 2010-11 का बनाया हुआ है, नहीं उस पर कोई फॉलोअर है, मुझे नहीं चाहिए। यार तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये तो दो तरह की बात हो गई ना, कि मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, फेसबुक पर फॉलो करो, और कहेंगे कि अपना टाइम बचाओ। दो चीज हो सकता है क्या? नहीं ना। अब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब स्टूडेंट से #COVID-19 और #EducationMinisterGoesLive के तहत नेक्स्ट वेंसडे को स्टूडेंट से बात करेंगे उनकी समस्याओं को लेकर। तो आप में से जो स्टूडेंट आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनी है और अपनी समस्याओं से बेहद पीड़ित है, सूचनाओं के अभाव के कारण प्रभावित है, जाइए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर और एजुकेशन मिनिस्टर से फुल एंड फ्री क्वेश्चन पूछिए, फ्लड कर दीजिए। तुम्हारे राइट से सही इंफॉर्मेशन को मिलना, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था चाहे काउंसिल क्यों नहीं हो, तुमको तुम्हारे समय को बर्बाद कर रहा है, मानो कि तुम्हारे भविष्य के साथ खेल रहा है, और ऐसा खेल करने की अनुमति भारत सरकार नहीं देती। 18th March 2020 को याद करो, गूगल पर सर्च करो, बहुत सारे ऐसे समाचार मिल जाएंगे कि काउंसिल ने कहा कि वी आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वी डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ MHRD। ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मान ले कि CBSE के लिए है। और अगले दिन 19th मार्च को CISE ने एग्जामिनेशन को उस समय कैंसिल किया जब ISE के बहुत सारे स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को देने के लिए सेंटर पर पहुंच गए थे। माई अटेम्प्ट इज टू मेक यू अवेकन, अराइज, डोंट सफर द इनजस्टिस ऑफ किलिंग योर टाइम मर्सीलेसली बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि ISSE क्लास 10th और ISSE क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन इसलिए नहीं होने चाहिए कि एक सेफ्टी रीजन है, दूसरा है कि स्टूडेंट इनोसेंट होते हैं, क्लास में रहते हैं, इतना शोरगुल करते हैं, टीचर बार बार करता रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के दौरान दो दो महीने बाद दोस्तों से मिलेंगे तो क्या करेंगे, वे गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे। ऐसा कोई सेफ टेक्निक है जिससे कि स्टूडेंट को रोका जा सके? बोलना चाहिए इस पर। तीसरी बात कि पढ़ने की एक स्पीड होती है, साल भर पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना, तो उसके अंदर से डर होती है कि क्या होगा नहीं होगा। और यहां तो 2 महीने का गैप आप करवा दिए, 10 दिन का समय दे दीजिएगा तो स्टूडेंट बहुत फोर्स में चला आएगा। फॉर जस्टिफिकेशन इज द डिमांड ऑफ टाइम फॉर विच स्टूडेंट शुड हैव टू स्ट्राइव फॉर। इफ यू थिंक माई व्यूज आर इंपॉर्टेंट, Like the video and subscribe the channel for such more views, updates and educational contents.